मेहनत की पाई पाई की कमाई अब आपके बटुए से निकलना थोड़ा कम हो जाएगा। रिजर्व बैंक ने ऐसे दो बड़े फैसले किए हैं जिसका सीधा असर आप पर होने वाला है। The decision has been to reduce the repo rate by 25 basis points and also to change the stance of monetary policy from neutral to accommodative. The unanimous vote reflects the resolve of the MPC to act decisively and act in time. RBI का पहला फैसला रेपो रेट में कमी का है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 6% से घटाकर 5.75% कर दिया। इससे आपका होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन सस्ता होना तय है। दूसरा फैसला बैंक ट्रांजैक्शन की दर खत्म करने का है। अब आपको RTGS और NEFT के लिए कोई चार्ज नहीं देना होगा, न तो इंटरनेट बैंकिंग पर अलग से कोई चार्ज लगेगा और न ही ब्रांच में बैंक चार्ज के नाम पर ही कोई रकम देनी होगी। तीसरा फैसला ATM लेन देन पर लगने वाले शुल्क की समीक्षा के लिए एक समिति के गठन का है। अगर समिति ATM चार्ज खत्म करने की सिफारिश करती है तो आने वाले दिनों में आपको इसका भी बड़ा फायदा मिल सकता है। RBI ने पिछले 5 महीने में तीसरी बार रेपो रेट में 0.25% की कमी की है। रेपो रेट वो दर है जिस पर बैंकों को RBI से लोन मिलता है, यानी जब बैंकों को लोन सस्ता मिलेगा तो वो अपने ग्राहकों को भी सस्ता लोन मुहैया करा सकते हैं। इसका मतलब है कि अब होम लोन, पर्सनल लोन और ऑटो लोन में सस्ती दर में लोन मिलना लगभग तय है। अगर आपके 20 साल की अवधि के होम लोन की दर इस वक्त 9.55% सालाना की है तो रेपो रेट में कटौती के बाद ये जल्द ही 9.30% होने वाली है। ऐसा होने पर आपको 20 लाख रुपए तक के होम लोन पर EMI में 326 रुपए की बचत होगी। 30 लाख रुपए के होम लोन पर आपकी EMI 489 रुपए तक कम हो जाएगी और 50 लाख रुपए के लोन पर EMI 815 रुपए कम हो जाएगी। जो लोन है वो सस्ते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आप जो EMI देते हैं अपने घरों पर, कारों पर, वो नीचे आएगी क्योंकि बैंक का जो लोन लेने की प्रक्रिया है वो सस्ती हो जाएगी। जब RBI बैंकर्स बैंक है तो जब बैंकर्स बैंक सस्ता करेगा तो बैंक आगे अपने ग्राहकों के लिए भी रेट कम कर देगा। उससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलेगा। अगर आपने 9.3% की दर पर 5 साल के लिए ऑटो लोन ले रखा है तो इसकी ब्याज दर घटकर 9.05% हो जाएगी। इससे 5 लाख तक के ऑटो लोन पर EMI में 61 रुपए की कमी होगी तो 10 लाख रुपए के लोन की EMI पर 121 रुपए की बचत होगी। वहीं 15 लाख रुपए के ऑटो लोन की EMI 181 रुपए तक कम होने वाली है। ये मानना है कि वो बैंक भी जो कस्टमर्स को ये इंटरेस्ट रेट को पास करेंगे, तो अभी शायद जो हाउसिंग लोन लिए हैं या मोटरबाइक का लोन लिए हैं, कार का लोन लिए हैं, उसका लोन का इंटरेस्ट रेट भी कम होगा, यही एक्सपेक्टेशन है। पर्सनल लोन की EMI भी आपकी कम होने वाली है। अगर आपने 12.50% की दर पर 3 साल के लिए पर्सनल लोन ले रखा है तो इसकी दर कम होकर 12.25% हो जाएगी। इसका असर ये होगा कि 2 लाख रुपए के पर्सनल लोन पर EMI में 23 रुपए आपके बटुए में बचेंगे, तो 3 लाख रुपए के लोन पर EMI 36 रुपए कम देनी होगी। वहीं 5 लाख के पर्सनल लोन पर EMI में अब 59 रुपए की बचत होगी। जो व्यापारी, पूंजीपति पूंजी निवेश करना चाहते हैं, इकोनॉमी क्योंकि 5.8% पे आ गई है, उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि पूंजीपति जो है अपना पूंजी निवेश नहीं करते हैं, नई फैक्ट्री, नए बिजनेस, कोई भी नया व्यापार शुरू नहीं करते हैं। तो जब बैंकों से लोन की प्रक्रिया सस्ती हो जाएगी तो ये एक बढ़ावा देती है नए उद्योगों को लगाने का। RBI के दूसरे बड़े फैसले की बात करें तो ये RTGS और NEFT के जरिए फंड ट्रांसफर पर चार्ज खत्म करने का है। आपने अक्सर ऐसा देखा होगा कि जब भी आप RTGS और NEFT करते हैं तो आपके खाते से 1 रुपए से लेकर के 51 रुपए तक की रकम कट जाती है। इंटरनेट बैंकिंग और बैंक की ब्रांच से किए गए लेन देन के एवज में जो चार्ज कटता है वो ये होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि RBI ने इसे खत्म कर दिया है। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए RBI ने ये कदम उठाए हैं। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2 से 5 लाख रुपए के RTGS पर 5 रुपए इंटरनेट बैंकिंग चार्ज के नाम पर लेता है। वहीं बैंक के ब्रांच में अगर आप ये लेन देन करते हैं तो इसका शुल्क 25 रुपए है।
इंटरनेट बैंकिंग से 5 लाख से ज्यादा के आरटीजीएस पर 10 रुपए लगते हैं तो बैंक के ब्रांच में 51 रुपए लगते हैं। वहीं एनईएफटी की बात करें तो एसबीआई 10,000 रुपए तक की एनईएफटी के लिए 1 रुपए वसूलता है तो बैंक के ब्रांच में ये चार्ज 2.5 रुपए का है। 10,000 से 1 लाख रुपए तक का ये चार्ज 2 रुपए और 5 रुपए का है। वहीं 1 लाख से 2 लाख रुपए तक के लिए ये चार्ज 3 से 15 रुपए का है और 2 लाख से ज्यादा के फंड ट्रांसफर के लिए इंटरनेट बैंकिंग का चार्ज 5 रुपए और ब्रांच में इस ट्रांसफर का शुल्क 25 रुपए है। यानी आपको मोटी बचत होने वाली है। रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को अपने ग्राहकों को ये लाभ तुरंत देने को कहा है। हफ्ते भर के भीतर इस फैसले के निर्देश सभी बैंकों तक पहुंच चुके होंगे। लोग बार बार ये शिकायत करते थे कि जब हम बैंक में ट्रांजैक्शन करने जाते हैं तो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन की एक तरफ बात करते हैं, दूसरी तरफ आप बात उस पे चार्जेस इतने लग जाते हैं, चाहे वो एनईएफटी एनईएफटी हो चाहे वो आरटीजीएस हो। तो सरकार की मंशा ये है कि लोगों को डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में बढ़ावा मिले, कैश का प्रयोग कम से कम हो। आज के बदले हुए दौर में लोन, ईएमआई और इंटरनेट बैंकिंग से लेकर एटीएम तक हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। ऐसे में अगर इन सब फायदों को जोड़ दें तो महीने में आपकी जेब में बड़ी बचत जमा होने वाली है। दरअसल जीडीपी विकास दर में कमी आने की वजह से आरबीआई पर ब्याज दर में कटौती का दबाव था। जनवरी से मार्च की तिमाही में जीडीपी की विकास दर घटकर 5.8% रह गई। 2018-19 के पूरे वित्त वर्ष में विकास दर 6.8% की रही। जनवरी से मार्च की तिमाही की दर 5 साल में सबसे कम है। ऐसे में रिजर्व बैंक की कोशिश है कि सस्ते कर्ज के जरिए बाजार में नकदी बढ़ाकर अर्थव्यवस्था की रफ्तार में तेजी लाई जाए। रिजर्व बैंक ने अनुमान जताया है कि वित्त वर्ष 2019-2020 में जीडीपी की विकास दर 7% की रहेगी। The MPC also revised the projection of GDP growth for 19-20 to 7% in the range of 6.4 to 6.7% for H1. रिजर्व बैंक ने जहां 7% विकास दर का अनुमान जताया है तो वहीं विश्व बैंक ने इससे भी ज्यादा की उम्मीद जाहिर की है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की आर्थिक विकास दर 7.5% रहने वाली है, जबकि 2019-20 में यानी इस साल दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की औसत विकास दर 2.6% रहने का अनुमान है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती रहेगी। विश्व बैंक का ये भी अनुमान है कि निवेश और निजी उपभोग में वृद्धि की वजह से भारत की आर्थिक विकास की रफ्तार इतनी तेज रहने वाली है। मोदी सरकार के लिए ये किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं। विश्व बैंक की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2021 तक चीन के मुकाबले 1.5% ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। स्थायी सरकार की इसमें बड़ी भूमिका है। नरेंद्र मोदी के दोबारा सत्ता में आने के बाद जिस तरह शेयर बाजार ने रिकॉर्ड ऊंचाई दर्ज की वो ये जताने को काफी है कि हिंदुस्तान के बाजार में सबका भरोसा मजबूत हुआ है। जैसे बीजेपी ने मैनिफेस्टो में प्रॉमिस किया है, शायद उन प्रोग्राम्स में फोकस देंगे, उनमें स्पेंड करेंगे। ये मान लीजिए रोड में या अभी नल पे जल वाला प्रोग्राम में या एजुकेशन हेल्थ में इतने सारे खर्चा करेंगे, ये सब इकोनॉमी के अंदर आएगा। हाल के दिनों में क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की कीमत में भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल का इंडियन बास्केट $61.3 प्रति बैरल पर बना हुआ है, जबकि अप्रैल में इसकी कीमत $71 प्रति बैरल और मई में $70 प्रति बैरल की थी। क्रूड ऑयल की कीमत कम होने की वजह से देश में हफ्ते भर से पेट्रोल और डीजल की कीमत आप लगातार कम होते देख रहे होंगे। पेट्रोल और डीजल का सस्ता होना महंगाई पर काबू पाने में बड़ी मदद करता है, क्योंकि देश में माल ढुलाई में डीजल से चलने वाले ट्रकों की बड़ी भूमिका है। विदेशी मुद्रा की जितनी बचत होगी डॉलर के मुकाबले रुपया उतना ही मजबूत होगा। मोदी सरकार 2.0 के लिए इस तरह से ये शुरुआती शुभ संयोग जैसा है, यानी अच्छे दिन के साथ ही आने वाले दिनों में सस्ते दिन भी आने वाले दिख रहे हैं। बाहर की परिस्थिति पे भारत का कोई नियंत्रण नहीं है, तो हाँ सस्ता होता है तो ये स्वागत की बात है, और सस्ता होता है तो उसका लाभ सरकार, पीछे जब सस्ता हुआ था आज से 2 साल पहले तो सरकार ने भी अपना खजाना भरा था, 10-11 लाख करोड़ का एक रिजर्व इकट्ठा हो गया था जिसको ग्रोथ के कामों में लगाया गया, ये बात सच है।
शुभ संयोग के शुभ मुहूर्त में इसी वजह से मोदी सरकार ने किसानों को बड़ा तोहफा दिया। शपथ ग्रहण के बाद पहली ही कैबिनेट मीटिंग में सभी किसानों को सम्मान निधि का फायदा देने का फैसला किया गया। देश के 15 करोड़ किसानों को 6000 रुपए सालाना देने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। 60 साल से ऊपर की उम्र वाले छोटे और सीमांत किसानों को सामाजिक सुरक्षा के तहत पेंशन देने का फैसला किया गया। दो बड़े ऐलान तो हो गए, अब लोगों में इस बात की चर्चा तेज है कि मोदी सरकार बजट में और क्या बड़ी घोषणाएं करने जा रही है। अब बजट दूर भी नहीं है, 5 जुलाई को इस वित्त वर्ष का पूर्ण बजट सरकार पेश करने वाली है। ऐसे में सबकी निगाहें इसमें होने वाले ऐलान पर टिकी हैं। 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस तक ये जो चीज करेंगे ऐसा प्रॉमिस किया है बीजेपी ने, शायद पूरा गवर्नमेंट का फोकस वही होगा। उसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत जो भी पैसा चाहिए उतना क्लोज टू दैट इनकम लेने के लिए टैक्स पॉलिसी रहेगा। उसमें शायद कॉरपोरेट टैक्स और पर्सनल टैक्स दोनों में कितना चेंज आता है वो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। हमें अटकलों की माने तो मोदी सरकार इस बजट में सबकी कर्ज माफी योजना का ऐलान कर सकती है। इसके तहत छोटे किसान, कारीगर और कारोबारियों और दूसरे सेक्टर के कम आय वाले लोगों को कर्ज माफी का फायदा पहुंचाया जा सकता है। इस कर्ज माफी योजना का लाभार्थी तय करने के लिए एक खास आय और संपत्ति की सीमा तय की जाएगी। आने वाले बजट में किसानों को दी जाने वाली खाद सब्सिडी को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है। खाद सब्सिडी को सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर करने की घोषणा हो सकती है। 5 लाख रुपए तक की आय को इनकम टैक्स से मुक्त करने पर फिर मुहर लग सकती है। फरवरी में पेश अंतरिम बजट में सरकार ने इसका ऐलान किया था। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव की भी बड़ी घोषणा हो सकती है। स्वास्थ्य क्षेत्र में आयुष्मान योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाया जा सकता है, तो GST के 12% और 18% के अलग अलग स्लैब की जगह इन दोनों के बीच की सिर्फ एक दर तय करने पर भी जोर दिया जा सकता है। किसानों चाहे वो फसल बीमा हो, चाहे वो किसानों को MSP हो सकता है कि सरकार जल्दी दे, कुछ भी राहत दे, पर कृषि क्षेत्र को मुझे लग रहा है कि एलोकेशन जरूर होगा। दूसरा जो मुख्य मुद्दा लग रहा है जिसको लेके इस कमेटी ने रिपोर्ट, कमेटी का गठन भी किया गया है कि बेरोजगारी से संबंधित कुछ तोहफे दिए जा सकते हैं। बजट में अभी करीब महीने भर का वक्त बचा हुआ है और इस बीच सरकार इसके होमवर्क में पूरी शिद्दत से जुटी है। पूरी तैयारी एक ऐसे बजट को पेश करने की है जिससे देश के हर नागरिक के हिस्से में राहत का बड़ा तोहफा आए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।